नमस्कार, खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपने नए प्रस्तावित भवन का भूमि पूजन किया। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण लांबा और सेक्रेटरी हरीश गौड़ ने बताया कि भिवाड़ी में उद्योगों की समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाएगा और साथ ही उद्योगों की सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनका शीघ्रता से निवारण किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि सभी समस्याओं को जल्द निपटा दिया जाए। साथ ही उद्योगों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने रख कर भी उनका भी समाधान करवाया जाएगा। याद रहे कि भिवाड़ी इंटीग्रेट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का गठन हुए अभी मात्र एक वर्ष भी नहीं हुआ और इस दौरान कई बार प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाकर अधिकारियों से मिल चुका है और भिवाड़ी की मुख्य समस्याएं जैसे पॉल्यूशन और सड़क को लेकर भी आवाज उठाई जा चुकी है। इसी के फलस्वरूप आंकड़ा की तरफ से आने वाली सड़क को रीको ने तत्परता से लिया और उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसी प्रकार NH8 से सीधी कनेक्टिविटी द्वारिकाधीश रोड का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है और वहीं एलिवेटेड रोड भी शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि हमें पूर्ण आशा है कि एसोसिएशन के माध्यम से भिवाड़ी के उद्योगपतियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से अधिकारियों के सामने रखा जाएगा और हमारा यह मानना है कि वह कोई भी समस्या हो उसे सही ढंग से सुलझाएंगे और उससे संबंधित अधिकारी उसकी बात भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वह समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। भूमि पूजा के मौके पर बीड़ा CO रोहतास सिंह तोमर, एडिशनल SP विपिन शर्मा, GMDIC रंजना यादव, रीको यूनिट 1 के हेड KK कोठारी, ANAN सुमित चौधरी, सभी विभाग के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। भिवाड़ी के उद्योगों से करीब 600 की संख्या में उद्योगपति वहां मौजूद रहे। संगठन के कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा के साथ फाउंडर मेंबर हरिराम शर्मा, OP अग्रवाल, राम प्रकाश गर्ग, सत्येंद्र चौहान, BB कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल, तरसेन लाल चौधरी, विपिन चौधरी, सुरेश अग्रवाल, योगेश जैन, अजीत खटाना, विजय लोहिया। इस अवसर पर विशेष प्रकार की ईंटों का भी इंतजाम किया गया था जिस पर सभी उद्योगपतियों ने आए हुए सभी लोगों ने सभी एक एक ईंट को उस भवन निर्माण में रखा और अपना सहयोग दिया। उद्योगों में पधारे उद्योगपतियों एवं अधिकारियों ने एसोसिएशन बनने पर सभी को बधाई दी और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो रिक्को से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली बोर्ड JVNL से रिलेटेड हो, हमारा सभी समस्याओं को लेकर जो भी इंडस्ट्रीज की दिक्कतें होंगी उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद बनी हुई है। धन्यवाद गौड़ा होता है, लेकिन और ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया है जिसमें पहले से ही लोग हमारे लामा जी हो गए, गौड़ साहब हो गए और उन्होंने कोविड टाइम में भी इंडस्ट्रीज की जितनी मदद की है मुझे पूरा भरोसा है, सराहना की जाए वो कम है। आगे बढ़ के इन्होंने किया और हमारी शुभकामनाएं है, आगे बढ़े हम इनके साथ दे पाएंगे कि भाई आपको आप सबका साथ है तो उसी में विश्वास है और उसी लिए BIA जिन्होंने ये फाउंडर मेंबर्स हैं, ये सारे लोग भिवाड़ी के लिए बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। तो BM में जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग काम करते थे, जिस एसोसिएशन में, वो काफ़ी बड़ी भी हो गई थी और इन लोगों को लगा ही अच्छा लग रहा है कि कैरानी इंडस्ट्रियल एरिया से काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। इनको लगा अभी एक एसोसिएशन वीरेंद्र भी आगे है, साहिल जी भी आगे हैं, आई है, सभी लोग यहाँ धीरे धीरे आते जा रहे हैं। बहुत अच्छी टीम है ये और बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं भिवाड़ी के लिए। सर, सबसे ज़्यादा भिवाड़ी में रेवेन्यू राजस्थान में जा रहा है, इतनी संगठन बने हुए, ऑलरेडी संस्थाएं काम कर रही हैं, BA में काम कर रही है, BCCI काम कर रही है, अब BIA में आवेगी, तो उसके बावजूद भी जो उद्योगों की मूलभूत सुविधाएं, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें और एयर पोल्यूशन की बात करें, तो निराकरण नहीं हो पा रहा, तो आप क्या मानते हैं? हाँ देखो, कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, मेन तो पॉल्यूशन को लेके, जहाँ आग लोग आँख बंद कर लेते हैं उसको आँख खोलने की ज़रूरत है। रही बात सड़कों की, सड़कें रिपेयर होती भी रहती है, टूटती भी रहती है, तो थोड़ा सा संगठन एक्टिव रहेंगे, एसोसिएशन एक्टिव रहेंगे और सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो भिवाड़ी के लिए कम से कम ये मुश्किल काम नहीं है। उतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना रिको को मेंटेनेंस देते हैं, तो पैसे की कहीं पे कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसका उपयोग कैसे करना है उसको जानना है। थैंक यू सर, बात करें।
प्लानिंग तो जब एक इंडस्ट्रियल एरिया, कल भी बात हुई थी, जब एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, तो वहाँ एसोसिएशन की भी ज़रूरतें पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं बढ़ती हैं तो वहाँ एक ऐसी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है जो उन समस्याओं का निराकरण करवा सके, गवर्नमेंट से मिलके, अधिकारियों से मिलके। और यही हमारा पर्पज़ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया आप देखेंगे कैरानी एरिया है, कैरानी एरिया में अभी कोई एसोसिएशन नहीं थी, उसके अलावा भी कई सारे एरिए ऐसे हैं जहाँ अभी हम सबकी पहुँच नहीं पहुँच पाती है सारे एसोसिएशन की। उसी यही पर्पज था कि एक एसोसिएशन का गठन किया जाए, उसी के अंतर्गत इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, अगर आप नाम देखें तो ये भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, तो यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये पूरे भिवाड़ी एरिए की है। इसमें जितने भी भिवाड़ी के एरिया आते हैं, 7-8 एरिए जो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से लेके करौली, सलारपुर, कैरानी, ये जितने भी पतरेड़ी पूरे एरिए, ये सभी हमारे एसोसिएशन के पार्ट हैं और सभी जगह से मेंबर भी हैं हमारे पास। अभी हमारे पास करीब 450 मेंबर हैं, जो कोई एक क्षेत्र से नहीं है, सारे एरिए से भिवाड़ी से मेंबर हैं। नहीं, नीमराना अभी हमारा नीमराना तक हम कुछ नहीं, ये भिवाड़ी के लिए है पर्टिकुलरली, लेकिन भविष्य में अगर जरूरत होगी तो देखेंगे। नीमराना तो अलग एसोसिएशन है। हमारी एसोसिएशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कैरानी का इंडस्ट्रियल एरिया है और जो पतरेड़ी का है, वहाँ ऑलरेडी CETP की एक कमेटी बन चुकी है जो BCCI देख रही है, और बहुत जल्दी ही पानी के निराकरण का काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर।